वेलकम बैक नाजरीन। छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर रिजवान हाजिर हैं और आप देख रहे हैं खूबसूरत ज़िंदगी डॉक्टर रिजवान के साथ। और ये शो आप देख सकते हैं एवरी सैटरडे और संडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और रात में रिपीट होता है ये जी 1 बजे से लेकर तकरीबन जो है 3 बजे तक। तो इसे आप एवरी सैटरडे और संडे देख सकते हैं। बाकी अगर आपका सैटरडे और संडे और बाकी अगर आपका शो मिसिंग हो जाता है किसी वजह से, तो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और डॉक्टर रिजवान के नाम से YouTube चैनल है। और हमारी होम रेमेडी आप देख सकते हैं अप्सरा लाइव टीवी पर भी और अप्सरा हेल्थ एंड केयर के नाम से है, जहां आप सेहतमंद रहने के मुख्तलिफ राज भी मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल। और सैटरडे संडे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में डॉक्टर रिजवान की कंसल्टेशन जो है वो बिल्कुल फ्री होती है, तो आप मशवरा और मुआयना फ्री कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्जेस है। तो उसमें यह कि आप आके विजिट कीजिए, अपनी स्किन दिखाइए, अपने हेयर प्रॉब्लम्स, अपने हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आके आप डॉक्टर रिजवान के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैटरडे संडे फ्री कंसल्टेशन इन अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक ऑफ डॉक्टर रिजवान। और अब हम आएंगे अपनी रेमेडी की तरफ, जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि टमाटर की जो है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, फिर हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? साईं, मां जफरुल्ला को बुलाया लाकाने मां। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? लाकाने मां। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका? साईं, मुझे सवाल ये हुआ जो मां मोटरसाइकिल लाइन हुआ विनोआ फैक्ट्री में कम करना। अच्छा, तो मुझे हथ कारा तो थीना हो जाना। अच्छा ठीक है, बोले तो हैने चला को एडी को रेमेडी उजे जैसा मुझे हाथ सही थी सके कार करा थे था। अच्छा ठीक है, आपने पहले हेयर ऑयल भी मंगाया था आई थिंक? जी, आपने पहले बालों का हेयर ऑयल भी मंगाया था, उसका रिजल्ट मिला आपको? जी, मुझे अति गुरायो होयो। अच्छा ठीक है, मसला था नहीं बल होयो हैंजल है मुके अति जो तो बात कॉल करे गुरायो। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए थोड़ा सा उर्दू में बात कर सकते हैं, आपको कैसा लगा रिजल्ट अप्सरा हेयर ऑयल का? माशाल्लाह से अच्छा लगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है आपका ये सवाल है, आप चाह रहे हैं कि जो है आप मोटरसाइकिल पर रहते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो गई है, तो वो सही हो जाना चाहिए। ठीक है जी, 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 चलें जी, बहुत शो में शुक्रिया आपका शामिल होने का। अच्छा जी, ये हमारे साथ कॉलर थे और उनका मसला वही है जो अमूमन लोगों का होता है, जो ड्राइव कर रहे होते हैं उनके हाथ काले हो जाते हैं, और जो मोटरसाइकिल पे होते हैं उनकी नेक और जो है हाथ भी और चेहरा भी ये भी डार्क हो जाता है। तो इसको स्किन के प्रॉब्लम जो है जरूरी नहीं है खवातीन के लिए हों, मर्द हजरात के लिए भी होते हैं कि वो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें। अमीना जी, आप मुझे चंद टमाटर जो है काट के दे दीजिएगा। अब हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटर की क्रीम जो आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा गोरा करेगी, और हमने दरमियाने साइज़ के इसके अंदर 3 अदद जो है टमाटर लेने हैं, और टमाटर का पेस्ट हम बनाएंगे, और उसके लिए हम रोज़ वाटर का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले जो है टमाटर लेंगे, टमाटर के बाद जो है हम ये इस तरीके से 3 अदद टमाटर। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं हिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी हिरा, बताइए क्या सवाल है आपका? आप शो देखते रहिए, आज का शो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे स्कार्स हैं या बहुत ज्यादा स्किन खराब हो रही है, डबल टोन स्किन हो रही है। मैं आपको टमाटर की क्रीम बनाना सिखा रहा हूँ, ये घर में आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट देखिएगा, सिर्फ चंद हफ्तों में ही बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। और अगर आप कराची में हिरा, तो आप मेरे बाल से मैं हेयर फॉल भी हो रहा बहुत ही। अच्छा देखो हिरा, अगर आप कराची में हैं तो आप जो है डॉक्टर रिजवान की क्लिनिक विजिट भी कर सकती हैं, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, आपको एक इनाम भी जितवा देते हैं, आप कराची की कॉलर हैं। बिल्कुल, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें पहले। सैलून की तरफ से जो है क्लींजिंग, मैनिक्योर या हेयर कटिंग में से कोई भी एक चीज अवेल कर सकती हैं, दिए हुए नंबर्स पे आप शो के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, अपना नाम लिखवाइएगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा और आके हमें विजिट कीजिए। सैटरडे संडे आप अपना गिफ्ट अवेल कर सकती हैं हेरा जी। और मुझे ब्यूटीशियन कॉल्स भी करने हैं। अच्छा ठीक है, आपकी एज कितनी है? मेरी 20।
सही हेगा, आप जो है हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके मसले का हल जो है स्किन का वो भी अभी हम आपको ऑन एयर बता रहे हैं, आप ये रेमेडी भी देखती रहिए कि किस तरह क्रीम आपको बता रहे हैं, और बाद में आप हमें कॉल करके अपना गिफ्ट भी विन कर सकती हैं सन टीवी की तरफ से, और जो है हमें कांटेक्ट कीजिएगा फिर, ठीक है। अच्छा जी अमरीना, अब हम इसके अंदर जो है टमाटर को डाल के ये टमाटर को हमने जग वाली मशीन में डाल लिया, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल, अब हम इसको जो है छान लेंगे। हम अच्छा देख कलर और भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर रिजवान जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ, मीरपुर खास से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे बाल बहुत गिरते हैं और बड़े भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही। आप ये बताइए बालों के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं अभी आप? शैम्पू लगाती हूँ। बस शैम्पू लगाती हैं, बालों में ऑयल वगैरह नहीं लगाती? नहीं और कुछ भी नहीं। पानी कैसा आता है आपकी तरफ जी? पानी आपकी तरफ कैसा आता है? मीठा आता है, खारा आता है? खारा पानी है। पानी जमीन का है, मीठा है। मीठा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको चक्कर तो नहीं आते जिसम में? कमजोरी तो नहीं? अच्छा ठीक है। नहीं, सर में दर्द रहता है थोड़ा बहुत। सर में दर्द रहता है, अच्छा। आपने उम्र कितनी बताई थी अपनी? उम्र 19 साल। 19 साल। कभी आपने आमला रीठा सिकाकाई से अपने बालों को धोया है? नहीं। अच्छा ठीक है। बाकी आमले का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा खाती हैं आप? नहीं नहीं। मछली खाती हैं? नहीं। पानी तो पीती हैं ना? पानी पीती हूँ। कितने गिलास पीती हैं 24 घंटे में? 3-4 गिलास। बस तो बस यही प्रॉब्लम है। देखिए आप बेटा पानी ज़्यादा पिए ताकि आपके बालों में बायोडीन और जिंक जो है अच्छे तरीके से मिले। सुबह नहार मुंह पानी, आप सुबह नहार मुंह पानी पीती हैं आप? हाँ पीती हूँ। कितने गिलास पीती हैं? आधा गिलास। चले अच्छी बात है, चले ठीक है बेटा, शो में शामिल होने का शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अपने देखने वाले नाजरीन को मैं बताता चलूँ पानी की अहमियत कितनी है और पानी हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। पानी देखिए अगर सुबह में पिया जाए, और सुबह में अगर आप नहार मुँह पीते हैं और एक गिलास नीम गर्म पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, और दिन भर वो जिस्म उनका थका रहता है, तो ये नीम गर्म पानी जब आप सुबह पीते हैं तो ये आपकी आंतों के ज़रिए जो है आपके मैदे के अंदर आता है, आपके जिस्म के डिटॉक्स को रिलीज़ करता है, आपको चुस्त और तवाना बनाता है, और इसके बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं क्योंकि जिस्म में जो जहरीले मादे होते हैं वो यानी कि आपके ख़त्म होते हैं। और अगर आप 24 घंटे में तकरीबन 12 गिलास पानी पीते हैं या 8 से 10 गिलास पीते हैं, सर्दियों में थोड़ी सी इंसान की कोशिश कम होती है कि जो है पानी कम पिए क्योंकि प्यास नहीं लगती, एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं रहती, तो आपकी अगर वर्किंग ऐसी है जिससे आपका पसीना भी निकले और आप पानी भी पिए तो यकीन करें कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, एक सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। और ये कि पानी ज़रूरी नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप जिस तरह पानी के फॉर्म में नहीं पी पा रहे तो आप उसकी शक्ल चेंज कर लीजिए, फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं आप उसमें, जूसेस फ्रूट्स के निकाल सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ तो क्यूकम्बर होती है। आपको पता है खीरे में 99% तो पानी है, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जितना ऐसी चीज़ें अपने डाइट में रखेंगे आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, बाल भी अच्छे होंगे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए सेहत के लिए अच्छी हैं। अब ये देखिए, अब इसके हमने पल्प जो है वो निकाल लिया है, टमाटर डाल के हमने उसमें रोस्ट वाटर डाला, और अब ये हम इसका जो झाग है ये हम निकाल देंगे, ठीक है, इसको हम साइड में कर देंगे। और ये आपके लिए जो मैं क्रीम बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने पहले मैंने बताई थी एक शो में वो बनाई थी, तो उन लोगों ने जो है इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक कर लिया था, तो देखिए आपने अपने हिसाब से क्वान्टिटी के हिसाब से लेना है। अब हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर आपने इतनी मकदार में डालना है कि वो अच्छे तरीके से, ये देखिए आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे।
ब्लेंडिंग किसी भी चीज की प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है ताकि उसका एक स्मूथ टेक्सचर बन सके, ठीक है ना। मतलब जब तक अगर क्लम्स आते रहेंगे तो वो एक क्लम्सी सा मिक्सचर जो है वो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहता। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? अयाज साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी क्या सवाल है आपका, बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल बताइए। चलो ठीक है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला टमाटर के पेस्ट के अंदर, अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच भरकर बेसन। बेसन वैसे भी स्किन के लिए जो है मतलब बहुत फ्रेशिंग लुक देता है और सबसे अच्छी बात मास्क का भी काम करता है। तो अभी तो आपको ये क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के साथ बताया जा रहा है तो इसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। फिर ये अब एक ऐसा टेक्सचर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इसको हम थोड़ा सा एक चीज इसके अंदर हम और ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या होगा, इससे पहले ये होगा कि देखिए आप एक बड़ा सा बर्तन ले लें कोई जो है, या तो फ्राई पैन ले लें, उसके अंदर आप पानी भर दें। पानी भरने के बाद एक ऐसी ही जो है कटोरी जो है उसके अंदर पानी के अंदर रख दें, गर्म पानी के अंदर। गर्म पानी में रखने के बाद उसके भाप से इसके अंदर जो हीट आएगी उससे जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए रखें, या तो आप कोई छोटा सा पतीला रख लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जलाएं और उसको फिर पकने दें। ये फिर ये जो बेसन होगा और ये कॉर्नफ्लोर होगा ये गाढ़ा टेक्सचर हो जाएगा। गाढ़ा टेक्सचर होने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं लतीफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई क्या सवाल है आपका, बताइए। जी माशाल्लाह से मैंने आपका हाइट ग्रो, अप्सरा हाइट ग्रो मैंने मंगाया था। अच्छा, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह से। ओह वेरी गुड जी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आमीन आमीन, थैंक यू। बस ये है कि मेरी सिस्टर को जो है वो एक्नी बहुत निकली हुई है। अच्छा, तो काइंडली उसके लिए कोई क्रीम या कोई भी ऐसी कोई रेमेडी हो। अच्छा अच्छा, तो काइंडली मुझे बताइए प्लीज। अच्छा देखिए, आपने अप्सरा हाइट ग्रो हमारा इस्तेमाल किया और जो है उसमें आपको फ़ायदा हुआ। अब आप अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट मंगा सकते हैं और होम डिलीवरी उसकी बिल्कुल फ्री होती है। और बाकी हमारे जो पैकेजेस चल रहे हैं आप जो है सिस्टर को वहाँ भेज सकते हैं। ये पैकेजेस कराची में इजीली अवेलेबल हैं और हम आपको अभी उसका पैकेज भी दिखाएंगे। बाकी आपका लतीफ साहब बहुत शुक्रिया कि आपने शो में हमारे शामिल हुए। एक्ने के लिए तो हमारी अप्सरा ब्यूटी क्रीम जो है वो बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ डॉक्टर रिजवान के अपने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको डिस्कवरी पॉलिशेस दिए जाती हैं, एक्सफोलिएटर पाउडर्स दिए जाते हैं। वो इस तरह की चीजें हैं जो ना सिर्फ आपकी एक्ने को कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं, बल्कि आपके फेस का ऑयल भी कंट्रोल करते हैं और आपके फेस पे एक वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। एक्नी में ज्यादातर रीजन जो होता है वो ऑयल की वजह से होता है कि फेस स्किन बहुत ऑयली हो रही होती है, टी जोन एरिया जो है बहुत अफेक्टेड हो रहा होता है। तो ऐसे में आप अप्सरा ब्यूटी किट मंगवा सकते हैं। हमारे पास एक्नी की किट है, हमारी व्हाइटनिंग की किट है, फ्रेकल्स की किट है, यानी वी हैव अ रेंज ऑफ ऑल स्किन प्रॉब्लम, सोल्यूशन फॉर ऑल स्किन प्रॉब्लम जैसे कहते हैं अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में। तो आप विजिट कीजिए, इवन इफ लाइक अगर आप कराची में नहीं है और कराची से बाहर है तो आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। हमारे तमाम प्रोडक्ट्स की, हमारे अप्सरा के स्किन प्रोडक्ट्स हैं, हेयर प्रोडक्ट्स हैं, हाइट से रिलेटेड हैं, वेट से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, आप इन सब प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में, कोई चार्जेस नहीं है उसके। आप फोन पे कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे आप अपनी स्किन दिखाइए, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं डॉक्टर रिजवान को, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आप आजकल तो इतनी आसानी हो गई है, आप व्हाट्सएप पे या आईमो पे जो है वीडियो कॉल करके अपनी स्किन भी चेक करा सकते हैं तमाम चीजें। देखिए अमरीना जी कितना अच्छा ये टेक्सचर बन गया। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन डाला था लेकिन जब मैंने देखा कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा कम है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी बढ़ा सकते हैं, इसमें बेसन भी बढ़ा सकते हैं। और जो है हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब। जी सर, मैं नदीम बात कर रहा हूँ दादू से। कैसे हैं मेरे भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी जी जनाब, मेरा ये सवाल है कि जो गर्मी में ये खालियां निकलती है, अच्छा, ये मुंह पे दाने वाने निकलते हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा ठीक है, और यही बस है जो मुंह पे दाने निकलते। चले चले, बहुत शुक्रिया। आपने पहले कोई अप्सरा की प्रोडक्ट इस्तेमाल किए? अच्छा चले ठीक है।
देखें, दाने निकलने की वजूहात जो होती हैं वो जिस्म के खून में फासिब मादे होने की वजह से होती हैं। अगर आपका मैदा ख़राब है, आपके जिस्म में फासिब मादे हो जाते हैं, आपकी वर्किंग ऐसी नहीं है, आपका वाटर इनटेक कम है, आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं या फिर आप जंक फूड का इस्तेमाल रखते हैं और इस तरह की लाइट ग़िज़ाएँ नहीं खाते जैसे कि सब्ज़ियाँ हैं और जैसे दलिया है, तो फिर ये होता है कि जिस्म में खून में फासिब मादे हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादातर आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे निकल आते हैं या फिर चेहरे पे, तो वो खास जगह है उसकी, तो जो है वो निकल आते हैं। और गुच्छों की मानदम सिस्टम आपका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका इंटरनल सिस्टम सही नहीं होगा, एक्सटर्नली आपके स्किन पे जो है साइड इफेक्ट्स हर हाल में आएंगे। तो आपको लोग सोचते हैं जी बस हम कुछ लगा लें, हमारा चेहरा सही हो जाए, हम लगा लें, इस तरह से नहीं हो सकता। आपको अपनी डाइट, अपना लाइफ रूटीन, हाइजीन लेवल, ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। अपना सोप अलहदा होना चाहिए आपका, आपका जो है टॉवल जो है वो अलहदा होना चाहिए, आपका कॉम्ब अलहदा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। मेडिकेरिड सोप आप यूज़ कर सकते हैं। अप्सरा ब्यूटी क्रीम जब आप मंगाते हैं या उसकी पूरी किट मंगाते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे लोग वाइटिंग इंजेक्शन की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो देखिए हमारी जो अप्सरा ब्यूटी क्रीम की अगर किट लेते हैं तो उसके अंदर एक वाइटिंग परफेक्ट पाउडर होता है जो दूध में मिला के पिया जाता है और वो ऐसे वाइटिंग इफेक्ट देता है आपकी पूरी बॉडी के कलर को कि वो हैरान कन होते हैं। इसके साथ अप्सरा ब्यूटी क्रीम है, फेयर एंड केयर लोशन है, एक्सफोलिएटर पाउडर होता है इसमें, ई पाउडर और मुख्तलिफ बॉडी शावर जेल होते हैं। फेयर एंड केयर लोशन बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत मुफीद रहता है और ख़ासतौर पे जब ये सर्दियों के मौसम में लगाया जाता है तो चेहरे को मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। जब आप वज़ू करते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, तो उसमें आपको लाजमी मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे फेस को तो फिर झुर्रियां पड़ने शुरू हो जाती हैं। अब हम इसकी वजह से स्किन पे जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं, तो उनको आपको इस इतने इस विंटर में, विंटर सीजन में इस ड्राई वेदर में आपको मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर इस्वाम के जो यानी अकॉर्डिंग टू वेदर आपको दिए जाते हैं, तो उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है उसमें कुछ महीने हैं, इवन कुछ हफ्ते भी अगर हैं, तो आप हमारी अप्सरा ब्राइडल किट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, वो मंगवा सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट रेंज ऑफ स्किन केयर मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि वो सब चीज़ें आपको एक ही बॉक्स में मिलती हैं कि आप अपनी स्किन पे यूज़ करें। ना सिर्फ आपके स्कार्स, आपके स्किन डबल स्किन टोन, आपके वाइटनिंग रिक्वायरमेंट, वो सब चीज़ें आपकी एक ही उससे रिक्वायरमेंट जो है वो एक ही चीज़ से पूरी हो जाती है। अच्छा प्रीतम जी, ये क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने बताया था कि जैसे आप तेज़ आंच के अंदर जो है पानी रखें पहले किसी भी पतीले में या फ्राई पैन में, और फिर इसको उसके ऊपर रखने के बाद कुछ देर 5 मिनट के लिए तकरीबन इसको हीट में होने दीजिए, ये कम्प्लीट रेडी हो जाएगी, ठंडी हो जाए फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे फेस वॉश, ठीक है। अभी आई थिंक हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हाँ जनाब बिल्कुल, हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर हम फेस वॉश भी बनाएंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन भी बताएंगे आपको कि अपने चेहरे पे आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ फिर एक हमारे मेहमान गेस्ट भी होंगे, उनको हम मिलवाएंगे कि किस तरीके से जो है आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, खूबसूरत स्लिम स्मार्ट रख सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।